हेलो गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ECS T10 इटली की सीरीज चल रही है, इसके पांचवे और आज के दिन के लास्ट मैच के बारे में। ठीक है, यह मैच खेला जाएगा अल्बानो वर्सेस ब्रेसिया सीसी के बीच। मैच की टाइमिंग है 8:45। ठीक है, अल्बानो का यह तीसरा मैच होगा, ब्रेसिया सीसी का दूसरा मैच होगा। ब्रेसिया सीसी का एक मैच अभी चल रहा है, ठीक है, तो इसलिए उसका स्कोर बोर्ड और बैटिंग ऑर्डर तो हमारे पास है, लेकिन स्कोर बोर्ड आप देख सकते हैं फ्रंट कोर्ट और ड्रीम इलेवन पर। ठीक है, वेदर की बात करें तो वेदर क्लियर है इस मैच में। ठीक है, वेन्यू देखे तो AHD जिन्ना क्रिकेट क्लब ब्रेसिया में मैच खेले जा रहा है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो एक आर्टिफिशियल पिच है, जिसके बिहेवियर में कुछ भी चेंज नहीं होता है, सेम रहती है बैटर और बॉलर के लिए। एवरेज स्कोर की बात करें तो हाई स्कोरिंग वेन्यू है, लगभग तीनों ही मैचों में अच्छे खासे रन पड़े हैं। पहले मैचों में 150+, दो मैचों में 150+ गया था। दूसरे मैच में जो अल्बानो की टीम थी बहुत कम स्कोर पर आउट हो गई थी, ठीक है, इसलिए इन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही टीम, इस वजह से तीसरे मैच में स्कोर कम हुआ। ठीक है, एवरेज स्कोर की बात करें तो 140 से लेके 150 आसानी से बन सकता है। वेन्यू रिकॉर्ड देखें, सीजन में 3 मैच हो चुके हैं, जिसमें से 2 मैच जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने और 1 मैच जीता है बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने। ठीक है, पहले बात करते हैं अपन अल्बानो की, जिसने इस टूर्नामेंट में 2 मैच खेले और दोनों के दोनों मैच बहुत बुरी तरह हारी है। ना इनों की बल्लेबाजी कुछ खास परफॉर्मेंस करी है, ना इनों की गेंदबाजी। ठीक है, पहले 2 मैच हुए थे उसमें आसानी से टीम ने हरा दिया था। एक मैच में अच्छा खासा टारगेट डिफेंड बनाया था सामने वाली टीम ने इनों को बॉलिंग करवाते हुए, और जब इनों की बाद में बल्लेबाजी आई तो उन्होंने 80-90 रन पर आउट हो गई थी। ठीक है, पहले बात करते हैं अपन लास्ट मैच जो खेला गया उसके हिसाब से हमने प्लेयर को सेट कर रखा है। तो ओपनिंग कर रहे दोनों मैच में कुलदीप सिंह और करम जाट ने। पहले बात करते हैं कुलदीप सिंह की, जिसने इस टूर्नामेंट के 2 मैच खेल लिए, 9 रन बनाए, 4 ओवर की गेंदबाजी करी, 1 विकेट लिया है। बॉलिंग कंफर्म कराई है लेकिन विकेट कुछ खास नहीं मिले, लेकिन ओपनिंग दोनों मैच में करी है इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ओवरऑल रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, 21 मैच में 134 रन है 17 की एवरेज से, तो एक मस्ट पिक प्लेयर है, आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हो। सिलेक्शन भी देखे तो 28% इसका सिलेक्शन है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर रहा है, भले परफॉर्मेंस करे नहीं करे इंपॉर्टेंट प्लेयर है फिर भी। इसके बाद है करम जाट, जिसने 2 मैच में 30 रन बनाए, 2 ओवर की गेंदबाजी करी, 2 विकेट लिए, या भी आपको बॉलिंग और बैटिंग करके दे सकता है। पहले मैच में इसने बॉलिंग करवाई थी, लेकिन दूसरे मैच में इनों की टीम की जब बॉलिंग आई तो 4 ओवर में मैच खत्म हो चुका था, इसलिए इसको दूसरे मैच में बॉलिंग का मौका नहीं मिला, लेकिन दोनों मैच में ओपनिंग करी थी इसलिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ठीक है, नहीं तो दूसरे मैच में भी ये गेंदबाजी करवाता। इसके बाद हरदेव सिंह नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आया था और उस पहले वाले मैच में नंबर 8 पर आया था। इस टूर्नामेंट के 2 मैच में इसने 13 रन बनाए। ओवरऑल रिकॉर्ड देखोगे T10 का, 11 मैच में 13 की एवरेज, 87 रन है, 19 ओवर की गेंदबाजी है, 14 विकेट है। अभी तक बॉलिंग नहीं करवाई है लेकिन बॉलिंग करवा सकता है, और बैटिंग नंबर 3 पर आया इसलिए ट्राई कर सकते हो। सिलेक्शन देखोगे तो 93% है। ठीक है, लेकिन सामने जो टीम है ब्रेसिया की वह बहुत मजबूत टीम है, इसलिए इसके अपने को एल्बानो के कम से कम प्लेयर लेने की कोशिश करनी है। ठीक है, इसके बाद है अजय कुमार, जिसने 2 मैच में मात्र 10 रन बनाया, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं करा है। ओवरऑल रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, 3 मैच में 24 रन है मात्र 12 की एवरेज से। उसके बाद है कमलजीत सिंह, जिसने 2 मैच में 33 रन, 3 ओवर की गेंदबाजी, 1 विकेट, यह भी आपको बॉलिंग और बैटिंग दोनों करके दे रहा है इस टूर्नामेंट में, और एक अच्छा ऑलराउंडर प्लेयर है। ठीक है, इसको अपने को सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन 13% है। इसके बाद है सिरोज उस्मान, जिसने 2 मैच में 9 रन बनाया, 2 ओवर की गेंदबाजी करी, 1 विकेट लिया, या 2 ओवर इसने पहले मैच में करवाए थे, दूसरे मैच में 4 ओवर की गेंदबाजी हुई टीम की तरफ से, तो इसको मौका मिला ही नहीं क्योंकि सामने वाली टीम ने 4 ओवर में ही टारगेट चेस कर लिया था। इसके बाद है कुमार अजय, जिसने 2 मैच में इस टूर्नामेंट के 3 रन बनाए, इसका सिलेक्शन हाई जा रहा है हर मैच में। ठीक है, अभी भी आप देख सकते हैं 88% इसका सिलेक्शन है, तीनों मैचों में इसका सिलेक्शन 90+ था, लेकिन परफॉर्मेंस आप देख सकते हो 2 मैच में 3 रन। ओवरऑल रिकॉर्ड इसका कितना ख़राब है, मैंने सभी मैचों में इसको ना कराया कि इसको नहीं लेना है, फिर भी लोग ट्राई कर रहे हैं। 30 मैच में इसने 96 रन बनाए 6 की एवरेज से। इसके बाद है विजय कुमार, जिसने 2 मैच में 5 रन बनाए, T20 का रिकॉर्ड देखे 16 मैच में 114 रन है, 5 ओवर की गेंदबाजी, 1 विकेट है। ठीक है, इसके बाद है गुरजीत सिंह, 2 मैच में 2 रन, 2 ओवर की गेंदबाजी, विकेटलेस गया, बैटिंग बॉलिंग कुछ खास नहीं कर रहा। ओवरऑल रिकॉर्ड देखे 19 मैच में 18 ओवर, 16 विकेट है। बॉलिंग कम करवाता है, वैसे भी 1 ओवर करवा सकता था, वो भी इस कंडीशन में जब इसके बॉलर पिटते होंगे इस टीम के। ठीक है, इसके बाद है भारती बंगार, जो इस मैच में इंपॉर्टेंट बॉलर साबित हो सकता है क्योंकि स्टार्टिंग में गेंदबाजी करता है। पहले मैच में इसने गेंदबाजी नहीं करवाई, अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन दूसरे मैच में इसने कंपलसरी 2 ओवरों की गेंदबाजी करवाई जिसमें 1 विकेट लेके गया। इस टूर्नामेंट के 2 मैच में 2 ओवर, 1 विकेट लिया है। ओवरऑल रिकॉर्ड 28 मैच में 52 ओवर, 34 विकेट है। और एक प्लेयर नया खेला था लास्ट मैच में, सरेगाम राव, जिसने बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं करी, ओवरऑल रिकॉर्ड इसका कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ से एक प्लेयर लेना चाहो तो आप भारती बंगार को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ज़्यादा प्लेयर आपको लेने नहीं है, आप चाहो तो यहाँ से भारती बंगार को भी ड्रॉप कर सकते हो, अगर इसकी टीम अगर बॉलिंग करवा रही हो पहले तो। ठीक है, अपन ड्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद है
बेंच की बात करें, बेंच पर से कोई भी प्लेयर खेलता है तो उसके स्टैट्स हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, इसलिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना आपके लिए ज़रूरी है। बात करते हैं ब्रेसिया सीसी की, जिसका एक मैच अभी लाइव चल रहा है, तो उसमें जो बैटिंग ऑर्डर आया है उसके हिसाब से हमने प्लेयरों को सेट कर दिया है, ठीक है। और परफॉर्मेंस क्या है वो हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे, और टीम वैसे भी उसी के हिसाब से बनती है, जो दूसरा मैच होगा उसके हिसाब से ही टीम बनेगी पहले मैच को परफॉर्मेंस देखते हुए। लेकिन हम आपको ओवरऑल रिकॉर्ड इनके बता देते हैं। पहला प्लेयर है सजाद खान अफरीदी, जो ओपनिंग में मेंशन है। T10 के 8 मैच में 116 रन बनाए 15 की एवरेज से, 12 ओवर की गेंदबाजी करिए, 5 विकेट लिए। इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ओपनिंग करेगा साथ ही बॉलिंग भी करवा के दे सकता है, तो अपने को जरूर कैप्टन वाइस कैप्टनसी ट्राई करनी है। इसको सेलेक्ट करेंगे, 85% इसका सिलेक्शन है। इसके बाद इमाद खान भी ओपनिंग में मेंशन है, 55 मैचों में 672 रन बनाए 17 की एवरेज से, 16 ओवर की गेंदबाजी करवाई, 10 विकेट लिए। भले ही बॉलिंग कम करवाता है लेकिन बैटिंग अच्छी खासी कर सकता है, और सामने वैसे भी थोड़ी वीक टीम है अल्बानो की, इसलिए इन प्लेयरों को आपको ट्राई करना ही पड़ेगा, 93% इसका सिलेक्शन है। उसके बाद है मोहम्मद मार्शल, जो इस मैच में कैप्टन वाइस कैप्टनसी का डिफॉल्ट चॉइस है, क्योंकि इकलौता ऐसा प्लेयर दिख रहा है जो बैटिंग से भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर सकता है और बॉलिंग से भी बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा। 15 T10 के मैच में 365 रन बनाए 33 की एवरेज से, 28 ओवर की गेंदबाजी करी, 2 विकेट लिया, यानी बल्लेबाजी भी शानदार करी, साथ ही 2 ओवरों की कंप्लीट गेंदबाजी करवाते हुए विकेट भी लेके गया, तो इंपॉर्टेंट है और कैप्टन वाइस कैप्टनसी का इस मैच में डिफॉल्ट चॉइस है, ठीक है। इसके बाद है जवाब महमूद, जिसने 6 मैच में 69 रन बनाए 1 ओवर की गेंदबाजी करी, विकेट लेस गया है। इसको उस कंडीशन में ट्राई करना जब इसकी टीम पहले बैटिंग करे, सेकंड बैटिंग में उम्मीद नहीं लगती कि इसकी बैटिंग आएगी, भले 4 पे मेंशन है पर 4 तक बैटिंग जाएगी नहीं, क्योंकि अल्बानो की टीम बहुत वीक टीम है, ठीक है। तो इसको फर्स्ट बैटिंग में ही ट्राई करेंगे, वो भी आप चाहो तो, क्योंकि इतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है कि इसको लेवे, लोग भले ट्राई कर रहे हैं लेकिन इतना बढ़िया रिकॉर्ड नहीं है कि इसको अपने कंफर्म डालना पड़े टीम में। इसके बाद एक क्लब सहजाद, 55 मैचों में 160 रन बनाए 67 ओवरों की गेंदबाजी करी, 38 विकेट लिए, या एक अच्छा खासा गेंदबाज है, साथ ही जरूरत पड़ने पर आपको बैटिंग भी प्रोवाइड करवा सकता है, सिलेक्शन 87%, एक मस्ट पिक प्लेयर है। इसके बाद है नासिर हुसैन, विकेट कीपिंग सेक्शन से इसको ट्राई नहीं करना, सिलेक्शन देखे तो 22% है, और रिकॉर्ड देखोगे तो 19 मैच के अंदर बैटिंग का मौका अभी तक नहीं मिला है। इसके बाद काशिफ चौधरी का कोई ओवरऑल रिकॉर्ड नहीं है, पहले मैच में क्या परफॉर्मेंस करता है उसके हिसाब से अपन नेक्स्ट मैच में इसको ट्राई करेंगे। इसके बाद है हसन नावीद, 16 मैच में 22 ओवर की गेंदबाजी, 12 विकेट लिए, ठीक है। इसके बाद है जावेद महमूद, जिसने 39 मैच में 25 रन बनाए 64 ओवरों की गेंदबाजी करे, 26 विकेट लिए, या बॉलिंग करवा सकता है जावेद महमूद, इसलिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है, सिलेक्शन भी देखे तो 2% है और इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इमरान नाविद, जिसने 35 मैच में 53 ओवरों की गेंदबाजी करी 27 विकेट लिए, इसकी मेन बात यह है कि डेथ में गेंदबाजी करवाना आता है, इसलिए आपको इसको सभी टीमों में डालना पड़ेगा, ठीक है। इमरान नाविद को सिलेक्शन 65% और एक अच्छा गेंदबाज है, विकेट टेकर गेंदबाज है, ठीक है। इसके बाद है अनावर अतिक, 14 मैच में 16 की एवरेज से 139 रन बनाए 17 ओवर की गेंदबाजी करी 8 विकेट लिए। अब बचाए प्लेयर एक अनावर अतीक, इसके अलावा हसन नाविद, इन दोनों में से जो भी पहले मैच में बॉलिंग करवाएगा अपन उसको ट्राई करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए अपन यहाँ से हसन नाविद को ले लेते हैं, जो भी बॉलिंग करवाएगा उसको ट्राई करेंगे, हसन नाविद या फिर अनावर अतीक, ठीक है। इसके अलावा बेंच पर से कोई भी प्लेयर खेलता है तो उसके स्टैट्स हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। बात करते हैं कैप्टनसी की, तो मैंने वीडियो में साफ बोल दिया कैप्टनसी का एक लौता चॉइस एम मार्शल है, ठीक है। इसके अलावा आपको और किसी के बारे में नहीं सोचना है। इसके अलावा आप चाहो तो अगर बल्लेबाजी हो पहली इस टीम की तो इमरान खान के साथ भी जा सकते हो। वाइस कैप्टन एस अफरीदी भी बहुत बढ़िया चॉइस है, क्योंकि दोनों प्लेयर, एक मार्शल फर्स्ट डाउन आएगा, सागिर अफरीदी ओपनिंग कर रहा है, तो दोनों ही बहुत बढ़िया कैप्टन वाइस कैप्टनसी के चॉइस है। और यह डेमो टीम है, फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड करवा देंगे, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। इसके अलावा वाइस कैप्टन आप और किसी को बनाना चाहो तो यहाँ से दूसरी टीम की तरफ से देखोगे तो दूसरी टीम में कुछ ज़्यादा तो ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा के जाट को बना सकते हो, कुलदीप सिंह को बना सकते हो, के सिंह को, जो तीन ऑलराउंडर है के नाम के, उनको आप वाइस कैप्टन बना सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए अपन, और इसके अलावा बॉलिंग सेक्शन में देखो तो क्लब सहजाद को भी ट्राई कर सकते हो कुछ टीमों में, जब इसकी टीम की पहले बॉलिंग हो, अगर इसकी टीम की पहले बॉलिंग हो तो आप वाइस कैप्टन बॉलरों में से दे सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन बॉलरों में से भी दे सकते हो अगर ग्रैंड लीग की ज़्यादा टीम उतार रहे हो। फिलहाल के लिए एम मार्शल और यहाँ से वाइस कैप्टन एस अफरीदी को बनाएंगे, या खाली डेमो टीम है, फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड करवा देंगे, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।